हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एम्पलीफायर कनेक्शन। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं ये जो प्रेम्प है इसके कनेक्शन थोड़े से समझाने वाला हूँ, क्योंकि जो जितने भी मैंने प्रेम्प भेजे हैं उनमें से कई बंदे ऐसे होते हैं जिनको, हालांकि मैं लिख के देता हूँ इसके ऊपर कि क्या क्या कहाँ पे लगाना। जैसे ये इनपुट यहाँ पे लिखा है, बिल्कुल सामने लिखा रहता है। ये एसी वाला जो सेक्शन है पावर सप्लाई का, ये भी लिखा रहता है। यहाँ से आउटपुट निकलती है। तो ये लिखा होने के बावजूद भी उनको मतलब ये नहीं पता चलता कि कनेक्शन कैसे करने हैं, किस तरीके से क्या करना है। तो उन्हीं के लिए ये वीडियो, अगर आपको इसके बारे में पता है, कनेक्शन करने आते हैं, तो आप इस वीडियो को यहीं पे छोड़ सकते हैं। तो जिसको नहीं पता वो इस वीडियो के साथ बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इसकी जो सप्लाई के कनेक्शन होते हैं वो कहाँ पे देने। तो वहाँ पे देखो, आप यहाँ पे अगर नहीं भी लिखा तो भी आप ध्यान से इसको देख लो। तो जो कैपेसिटर वाली साइड है और ये डायोड लगे हुए हैं, तो यहाँ पे आपको इसके अंदर देनी है सप्लाई, जो कि 12012 रहेगी एसी, ठीक है। और 1.5 एम्पियर भी दोगे तो आप चलेगा बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसको उल्टा कर लेते हैं। उल्टा करने के बाद इसके ऊपर आपको प्रिंट दिख रहे होंगे तीन, वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन आपको ध्यान इन पर ही देना है। तो ये वाला रहेगा हमारा 12, बीच में रहेगा 0 और ये रहेगा 12, ठीक है, 12012। तो इस तरीके से इसके अंदर हमें सप्लाई देनी है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा सप्लाई का, मैं जल्दी जल्दी ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि थोड़ी छोटी बने। तो अभी बात करते हैं इसकी इनपुट की, कि इसके अंदर इनपुट कहाँ देनी है। तो जैसे आप मॉड्यूलर यूज़ कर रहे हैं, जैसे ब्लूटूथ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, बंदे ब्लूटूथ ही बोलते हैं, ब्लूटूथ कार्ड होता जो वो यूज़ कर रहे हैं, या फिर फ़ोन की ऑक्स यूज़ कर रहे हैं, लीड कार्ड वगैरह के वो लगा रहे हैं, तो वो यहाँ पे इनपुट लिखा है, ठीक है। अगर नहीं भी लिखा तो देख लो। तो यहाँ पे जो इधर वाले ये तीन प्रिंट हैं, ठीक है, देख रहे हैं, तो इसके अंदर जो ग्राउंड रहेगा, ठीक है, जो हम ब्लूटूथ कार्ड यूज़ करते हैं उसके अंदर तीन वायर रहती हैं, जो उसके अंदर बीच वाली वायर है वो लगेगी यहाँ, और जो लेफ्ट और राइट की बचगी वो आप एक यहाँ पे लगा दो और एक यहाँ पे लगा दो, जो ब्लूटूथ कार्ड की आउटपुट है, ठीक है। जो ब्लूटूथ कार्ड की आउटपुट है वो हमें इसकी इनपुट में देनी है, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो जो ब्लूटूथ कार्ड की आउटपुट निकलेगी वो तीनों तार हमें यहाँ लगाने हैं, यहाँ, और जो बीच वाला तार है वो यहाँ, और लेफ्ट राइट इधर लगा देना है, ठीक है। बीच वाला बस यहाँ लगाना आपको, बाकी लेफ्ट और राइट इधर भी लगा सकते हो, उधर भी लगा सकते हो, कोई भी तार कहीं पे लगा दो इन दोनों पे, ठीक है। बीच वाला बस यहाँ लगाना आपको, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो अभी ये तो हो गए कनेक्शन। अब कि इसको एम्पलीफायर में कनेक्ट कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसके अंदर जो इधर से जो सप्लाई की वायर निकाली थी हमने यहाँ से, ठीक है, तो इधर वाली ही साइड आपको यहाँ पे तीन प्रिंट और दिखेंगे, जैसे आर जी एल, राइट, ग्राउंड और लेफ्ट। अगर ये भी नहीं है उसके ऊपर तो आप इधर से देख लो, यहाँ पे ये तीन जो तार लगी हुई हैं, ये बीच वाला ग्राउंड है, ठीक है, ये राइट लेफ्ट ऐसे करके, ठीक है, इन तीनों तारों को आपको निकाल लेना है यहाँ से, ठीक है। तीनों तारों को निकालने के बाद अब जो हमारा एम्पलीफायर बोर्ड है, ठीक है, जैसे कि आप 400 वोल्ट पे इसको यूज़ करना चाहते हैं, तो मैं आपको 400 वोल्ट का बोर्ड दिखा देता हूँ एक बार। तो ये हमारा 400 वोल्ट का बोर्ड हो गया, ठीक है। तो जो इसकी आउटपुट निकलेगी, प्रेम्प की आउटपुट निकलेगी, वो हमें इसकी इनपुट में देनी है, ठीक है। तो इसकी इनपुट रहती है यहाँ पे, ठीक है गाइज। तो इसके अंदर जो ये लेफ्ट राइट वाला कोई भी एक तार उठा के इसकी यहाँ पे हम इसको कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, इसकी इनपुट में यहाँ पे, ठीक है गाइज। और जो बीच वाला तार है ये कर देंगे हम इसके ग्राउंड में कनेक्ट। ग्राउंड कहीं भी हम एक ग्राउंड ले लेंगे, जैसे ये ग्राउंड है पूरा का पूरा बीच वाला, ठीक है, ये देख रहे हैं, ये बीच वाला प्रिंट पूरा ग्राउंड रहता है, तो ये एक ग्राउंड में हम इसको कनेक्ट कर देंगे। बाकी बच गया ये लेफ्ट वाला, तो इसको हम इसकी लेफ्ट इनपुट में दे देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से फिर ये बढ़िया तरीके से काम करेगा, ठीक है। तो ये थोड़े से कनेक्शन थे गाइज, इसमें समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी बंदों को, तो ये मैंने आपको समझा दिए। अगर फिर भी कुछ दिक्कत रह गई है तो इसके एक वीडियो बनाऊंगा मैं, इसकी साउंड टेस्टिंग की वीडियो अभी आई नहीं है, तो उसकी एक मैं वीडियो बनाऊंगा बढ़िया वाली, जिसके अंदर इसकी साउंड टेस्टिंग भी होगी और फुल वायरिंग भी होगी साथ में, तो वो वीडियो भी जल्दी ही आ जाएगी अगर आप कहोगे तो। और साउंड टेस्टिंग जो इसकी वैसे भी करवानी है मेरे को, 92.94 पे लगा के या फिर 100 वोल्ट पे लगा के मैं इसको चला के दिखाऊंगा जल्दी ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।